फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी हिंदी की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 6। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पार्ट 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये कविता है जिसको शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखा है। ये आपकी वसंत भाग 2 से ली गई है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय आप विद्यालय तो नहीं जा पा रहे हैं, पर पढ़ाई तो जारी है। ऐसे में आप अपने विद्यालय और अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे, तब कैद में बंधन में आपको कैसा महसूस हुआ होगा। ठीक है, हम पंछी उन्मुख गगन की कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जब हम लोग लॉकडाउन में हर वक्त घर में ही रहे, कहीं हम बाहर नहीं जा सकते थे, स्कूल और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे थे, अपने फ्रेंड्स से तो मिल ही नहीं सकते थे, तो हमें घर में बंद रहना, इनफैक्ट गली तक में नहीं जा पा रहे थे, कहीं पार्क वगैरह में नहीं जा पा रहे थे, तो कैसा हमें महसूस हुआ, किस तरह से हमने अपने आप को एक कैदी की तरह महसूस किया कि जैसे मान लो हम जेल में बंद हैं, है ना। उसी अनुभव को हम इस चैप्टर के ज़रिए, इस कविता के ज़रिए पढ़ेंगे। कि आपका हिंदी का पहला चैप्टर है और इसकी मैंने एक अलग से वीडियो चैप्टर वाली भी बना दी है, जो आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब उसमें अच्छे से बताए गए हैं, चैप्टर को पूरा समझाया गया है, तो अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन में पिंजरा बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली भांति कुटकनी बोली कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो यहाँ मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे खुद भी दिया गया है तो मैं इसी को ही पढ़ के आपको समझा देती हूँ। वैसे इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने आपको उस वाली वीडियो में भी दिया है जो आपकी चैप्टर की है, आपको अगर और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, भावर चिड़िया कहती है कि खुले आसमान के पक्षी हैं हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे, हम खुले आसमान में होंगे तभी गाएंगे। अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे, कैद कर देंगे, तो हम कैसे गा पाएंगे, क्योंकि इंसान जब गाता है, या इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, वो गाएगा किस वक्त, जब वो खुश होगा, जब वो आज़ाद होगा, है ना। जब उसे कैद में बंद कर दिया जाए, जब उसका मूड ख़राब हो, तो क्या वो कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। पिंजरे की इन कनक तीलियों से, यानी जो पिंजरे में तीलियां लगी हुई हैं, इनसे टकरा के भले ही वो सोने की ही क्यों ना हो, जो हमारे नाजुक नाजुक पंख हैं वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम निकलने का प्रयत्न करेंगे, हम इस पिंजरे से आज़ाद होने का प्रयत्न करेंगे, और हमारी जो पंख है वो क्या होंगे, इन तीलियों से टकरा कर टूट जाएंगे। हम नदी का बहता जल पीने वाले हैं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, हमारे लिए कड़वी नीम का जो फल है, जिसे हम निबोली बोलते हैं या नीमकौली भी बोलते हैं, यहाँ निबोरी लिखा हुआ है, तो सब जगह अलग अलग बोला जाता है, जहाँ जैसी भाषा वहाँ वैसे ही बोला जाता है। बहरहाल यहाँ पे नीम के फल की बात हो रही है, जो ग्रीन कलर का छोटा सा होता है, हम लोग तो इसे नीमकौली बोलते थे। ठीक है, तो वो मुझे खाना पसंद है, जबकि वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, लेकिन मैदा जो कि टेस्टी होता है और सोने की कटोरी में रखा हुआ है, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं उसे नहीं खाऊँगी। ये कौन कह रहा है? ये एक चिड़िया कह रही है। ठीक है, तो लिखता है, आइए इन शब्दों को जानते हैं। तो ये शब्द क्या है? उन्मुक्त। उन्मुक्त माने क्या होता है? बाधा से मुक्त, खुला हुआ। ठीक है, पिंजरा बंद यानी पिंजरे के अंदर बंद रहना। कनक कनक माने होता है सोना। पुलकित पुलकित माने जो मासूम मासूम से होते हैं ना, मुलायम, अच्छे अच्छे जो पर हैं वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, अभी आगे लिखा है, कुटुक कुटुक माने कड़वा, यानी कि निबोली कड़वी है, वो पसंद है मुझे। ठीक है, निबोली यानी नीम का फल। ठीक है, अब देखें यहाँ आपको लिखा है, आइए जानें कि हमने क्या सीखा। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते, पक्षी पिंजरे में बंद होकर क्यों नहीं रहना चाहते। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप आंसर यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि ये खुले आसमान के पक्षी हैं, इसलिए ये पिंजरे में बंद होकर रहना नहीं चाह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आपको दिया गया, नीम का फल निबोली को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, तो आप लिखेंगे, क्योंकि नीम का जो फल है, निबोली जिसे हम कह रहे हैं, वो कड़वा ज़रूर है, वो कड़वा होता है, लेकिन वो पंछियों की आज़ादी को, उनकी स्वतंत्रता को नहीं छीनता है। ठीक है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि भाई आप मेरी स्वतंत्रता को छीन लें। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हमें कड़वी चीज़ ही क्यों ना खाना पड़ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए और किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर उसमें रंग भी भरना है। तो चलिए आंसर देखते हैं।
तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, कबूतर, चील, कौआ, तोता, मैना, मुर्गी, हंस, बतख, ये सब चीज़ें हम आम तौर पे देखते रहते हैं। किसी एक का आपको चित्र बनाना है तो यहाँ देखिए मैंने कबूतर और तोता लगा दिया है आपके लिए, आप लोग इसमें से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप नेट से निकाल के जो आपको पसंद हो या ड्राॅइंग बुक में बनाओ तो आप उसे बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, लॉकडाउन में जब आप घर में बंद थे तब आपको कैसा महसूस हुआ, लिखिए। तो देखिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि लॉकडाउन में जब हम घर में बंद थे तब हमको महसूस हुआ कि कैद होना कैसा होता है ना। हम जो पक्षियों को या जानवरों को कैद करके रखते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा ये हमने जाना, अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, एक पिंजरे में एक कमरे में कैद हैं। और ख़ास तौर से दिल्ली में तो वैसे भी घर इतने छोटे होते हैं, जिनके पास अपना घर है तो वो तो फिर भी ये कि चलो एक दो फ्लोर है उनके पास, और जो बेचारे ऐसे लोग हैं जो मतलब रेंट पे रहते हैं वो सिर्फ एक ही कमरे में एडजस्ट करते हैं, तो सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा हम सबके लिए ये लॉकडाउन में रहना, है ना। चलिए खैर जो हो गया वो तो हो ही गया है, अब आगे की सोचते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या लगता है कि पक्षी की क्या इच्छा है, तो चलिए देखते हैं कि पक्षी की क्या इच्छा है। तो आप लिख सकते हैं कि पक्षियों की सिर्फ एक ही इच्छा है, वो है आज़ादी, वो सिर्फ स्वतंत्र रहकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, जैसे खुले गगन में उड़ना चाहते हैं, है ना, और आपके जो अनाज भरे दाने हैं उन्हें खाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और नीम कौली खाना उन्हें पसंद है लेकिन वो पिंजरे में कैद रहना नहीं चाहते। तो हम सिंपल से एक लफ्ज़ में अगर कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पंछियों को सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही ख़त्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।